गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का EDD 1 एंड EDD 2 का ये दूसरा कॉमन टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर आप देखते होंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में यूज किया जाता है। लाइन कंडक्टर मेनली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला सॉलिड कंडक्टर एंड सेकेंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर का मतलब कोई एक कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर, माने द कंडक्टर हैज सिंगल स्ट्रैंड, उसे हम कहते हैं सॉलिड कंडक्टर। और दूसरा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर, जिसमें बहुत सारे स्ट्रैंड हो, बहुत सारे स्ट्रैंड को मिलाकर उस कंडक्टर को तैयार किया गया हो। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स बताते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। सॉलिड कंडक्टर आर वेरी रिजिड कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। कहने का मतलब यह है सॉलिड कंडक्टर जो होता है बहुत कठोर होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में। नंबर दो, स्टैंडर्ड कंडक्टर आर वेरी फ्लेक्सिबल। जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उसको हम सर्कुलर रूप से राउंड कर सकते हैं, उसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं। जबकि सॉलिड कंडक्टर जो रिजिड होता है उसको हम ज़्यादा ट्विस्ट करने पर ब्रोकन यानी टूट सकता है। नंबर थ्री पॉइंट पर हम आते हैं, सॉलिड कंडक्टर कैन बी ब्रेक्ड। सॉलिड कंडक्टर ब्रेक्ड मतलब मोड़ कर टूट भी सकता है, ब्रेक्ड हो सकता है। जबकि स्टैंडर्ड कंडक्टर हाई स्टैंडर्ड कंडक्टर हैज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्टैंडर्ड कंडक्टर के पास बहुत ज़्यादा यांत्रिक स्ट्रेंथ होता है, यांत्रिक क्षमता होती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कंडक्टर आर ऑफ टू मेन टाइप्स। नंबर वन, AAC मीन्स ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। नंबर दो, ACSR मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये तो दो हमारे हो गए स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाने की कोशिश करेंगे, सॉलिड कंडक्टर है, ए सिंगल कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर में देखिए ये हमारे जो दिख रहे हैं ये सब अलग अलग वायर, अलग अलग वायर यहाँ से निकल के गए हैं, अलग अलग कंडक्टर निकल के गए हैं और वो पूरे के पूरे अरेंज करके एक कंडक्टर बनाया गया है, जिसका यूज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। यहाँ पर देखने की बात ये है कि ये जो सॉलिड कंडक्टर है जनरली इसका यूज हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं करते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं, जो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं AAC कंडक्टर का। AAC कंडक्टर है क्या? AAC कंडक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि AAC कंडक्टर का फुल फॉर्म होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। हमारे घर के पास जो बाहर से ट्रांसफार्मर से लाइन आती है वो सब स्टैंडर्ड कंडक्टर से आता है, लेकिन वो कौन सा कंडक्टर है हम कैसे पहचानेंगे? तो जो कंडक्टर आता है उसमें सारे के सारे स्ट्रैंड जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है। जब ACSR की बात करते हैं इसका मतलब देखिए आपको बताया था एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अगर हम कंडक्टर के वायर को खोलते हैं तो उसमें जितनी स्ट्रैंड हैं मैक्सिमम स्ट्रैंड एल्यूमिनियम के रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रैंड उसका स्टील का रहता है। और स्टील का एक स्ट्रैंड होने के कारण उस कंडक्टर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है।
वो कंडक्टर एसी कंडक्टर की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए एसीएसआर कंडक्टर का ज़्यादातर यूज हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी अगर करते हैं तो 11 केवी वाले लाइन में इसका यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि एसी कंडक्टर और एसीएसआर कंडक्टर की साइज कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में अक्सर आता है कि करंट को देखकर हमें एसी कंडक्टर लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो उसकी साइज क्या होगी। उसकी साइज देखने के लिए हमारा जो बेस होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एसी और एसीएसआर का साइज बताएंगे, कैसे हम साइज लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।